आरिफ ने यहाँ पे 80,000 रुपीज का लोन लिया है, जिसपे 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है फॉर 1.5 ईयर्स, और ये हो रहा है हाफ ईयरली कंपाउंड। जनरली हमारा ईयरली कंपाउंड हो रहा होता है, तो हमको यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा होता है, तो आर और एन की वैल्यू हमारी हो जाती है चेंज। पी है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि 80,000 रुपीज गिवन है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है 10% पर एनम, यानी कि 10% पर ईयर। तो अब अगर 1 साल में 10% का रेट लग रहा है, तो हाफ ईयर में लगेगा 10/2, यानी कि 5%। तो आर हो जाएगा 5/100। अब पावर में है एन, एन हमारा होता है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। टाइम हमको गिवन है 1.5 ईयर, और क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हाफ ईयर में हमारी एक बार कंपाउंडिंग होगी। तो 2 × 1/2 यानी कि 1 ईयर में हो जाएगी 2 × 1, यानी कि 2 बार कंपाउंडिंग, और 3 × 1/2 ईयर यानी कि 1.5 साल में हमारी हो जाएगी 3 बार कंपाउंडिंग, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। सॉल्व करने से पहले यहां तक हम नोट कर लेते हैं।